नमस्कार सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोर्स द मार्केट में। आज हम आठ शेयर देखने वाले हैं। पहला शेयर देखिए तो रुपया 1600 रुपये तक जा सकता है इस प्राइवेट बैंक के शेयर एक्सपर्ट। निजी क्षेत्र का इंडसइंड बैंक के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इंडसइंड बैंक ने अपने प्री क्वार्टर अपडेट में कहा कि 31 दिसंबर 2022 को समाप्ति मई के लिए उसका शुद्ध अग्रिम साल दर साल 19% बढ़कर 2,71,966 करोड़ रुपये हो गया। वहीं साल दर साल यानी कि YTD में नेट डिपॉजिट 14% बढ़कर 3,25,491 करोड़ रुपये हो गया है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने बैंकिंग स्टॉक इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की रेटिंग दी है। इंडसइंड बैंक के शेयरों पर जेफरीज रुपया 1600 रुपये का लक्ष्य दिया गया है। ब्रोकरेज हाउस के टारगेट से पता चलता है कि शेयर 23% चढ़ सकते हैं। अपने नोट में जेफरीज ने कहा कि इंडसइंड बैंक इस क्षेत्र में शीर्ष स्टॉक है। बैंक की ऋण वृद्धि स्वस्थ रही। तिमाही दर तिमाही 4.6% और साल दर साल 4.9% बढ़ी है। इंडसइंड बैंक का मार्केट कैप ₹94,813 करोड़ है। जुलाई सितंबर 2022 तिमाही में बैंक की आय 8,708.03 करोड़ रुपये रही। वहीं सितंबर तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ ₹1,786.72 करोड़ रहा। दूसरा शेयर देखें तो ए स्टॉक ₹1,800 के स्तर को पार करेगा एक्सपर्ट। ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर में वाइस प्रेसिडेंट वैशाली पारिक ने HDFC बैंक के प्रदर्शन के बारे में कहा। HDFC बैंक के शेयर काफ़ी समय से 1570 से 1650 रुपये के दायरे में घूम रहा है। अब आने वाले दिनों में तेजी से कारोबार कर सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी स्टॉक के पक्ष में, साथ ही चार्ट पैटर्न भी अच्छा दिख रहा है। ऐसे में HDFC बैंक का शेयर 1850 रुपये के स्तर पर जा सकता है, जबकि स्टॉप लॉस को 1550 रुपये रखने की सलाह दी गई है। तीसरा शेयर देखें तो इन तीन शेयर खरीद सकते हो एक्सपर्ट। पहला शेयर है गो फैशन का। सबसे पहले एक्यूरेस कैपिटल ब्रोकरेज फर्म गो फैशन पर लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह दे रहे। इस शेयर के लिए 1493 रुपये प्रति शेयर का लॉन्ग टर्म टारगेट दिया गया है। वित्त वर्ष 2025 के बीच 12% की CAGR बढ़ने की उम्मीद है। फाइनेंस ईयर 25 में 20% रिटर्न ऑन इक्विटी की उम्मीद है और फाइनेंस ईयर 25 में 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की उम्मीद है। दूसरा शेयर है गेल। NTQ ने गेल के शेयर खरीदने की सलाह दी है। अमेरिका में कम गैस की कीमतें व्यापार मार्जिन में सुधार करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे अमेरिकन गैस मार्केट का मार्केटिंग मार्जिन बढ़ता है, स्ट्रक्चरल पाइपलाइन यूटिलिटी कंपनी का पुराना स्टोर हमेशा के लिए चलने की उम्मीद है। फाइनेंशियल 24-25 के लिए स्टॉक का मूल्यांकन 2.8x EV/EBITDA पर आकर्षक लग रहा है। तीसरा शेयर देखें तो गार्डन रिच का है। गार्डन रिच के NTQ ब्रोकरेज ने खरीदारी सलाह दी है। इस शेयर का टारगेट 2,520 रुपये रखा गया है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 20 से 25% से ज़्यादा रहने की संभावना है। कंपनी के पास अभी भी 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का अवसर होने का अनुमान है। मध्यम अवधि में कंपनी की बाजारी से 70,000 करोड़ रुपये बढ़ने का मौका है। चौथा शेयर देखें तो शेयरों में 45% की गिरावट वाले शेयर पर इन म्यूचुअल फंड ने कंपनी के 3.7 लाख शेयर खरीदे। PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने सोमनी सिरामिक्स में हिस्सेदारी खरीदी है। पिछले एक साल में स्टॉक 45% से ज़्यादा गिर चुका है। NSE की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने सोमनी सिरामिक्स के 3.07 लाख शेयर 499.03 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे। यानी म्यूचुअल फंड ने मंदी वाले शेयरों में ₹15.32 करोड़ का निवेश किया है। म्यूचुअल फंड ने इन शेयरों को 4 जनवरी 2022 को बल्ड डील के जरिए खरीदा था। पांचवा शेयर देखें तो नया IPO खुला। निवेशक 9 जनवरी तक दांव लगा सकते हैं। IPO के जरिए शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। ईस्टर्न लॉजिका इम्पोवर लिमिटेड का IPO आज यानी 5 जनवरी से खुल गया है। कंपनी के IPO को 9 जनवरी 2023 तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति कमजोर है। एक स्टॉक टॉप स्टॉक ब्रोकर की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार शाम को कंपनी का IPO ₹1 के डिस्काउंट पर उपलब्ध था, जिसे अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। कंपनी क्या करती है? ईस्टर्न लॉजिका इम्पोवर लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। यह लघु और मध्यम उद्यम कंपनी ब्रांडेड स्मार्टफोन हार्डवेयर आदि के वितरक है। कंपनी की उपस्थिति पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में है। कंपनी के IPO की डिटेल देखें तो पहला प्राइस बैंड रुपया होगी 225 के आसपास। फेस वैल्यू 10 रुपया होगी। साइज होगी IPO की साइज होगी 16.94 करोड़। IPO का खुलने ओपन हो गया है 5 जनवरी 2023 से और अंतिम तिथि होगी 9 जनवरी 2023। शेयर आवंटन तिथि 12 जनवरी 2022 होगी। लिस्टिंग की तारीख 17 जनवरी 2023 होगी। लॉट साइज हो गया 600 शेयर का। नौवा है खुदरा अधिकतम एवं न्यूनतम राशि 1,35,000 होगी। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 73.59% होगी। IPO लिस्टिंग होगा BSE SME पर।
और छठा शेयर अंतिम शेयर देखें तो ये मल्टीपल शेयर दो भागों में स्प्लिट होगा। BSE की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक केपी एनर्जी लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग 5 जनवरी 2023 को हुई थी। इस बैठक में कंपनी के बोर्ड ने प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य के साथ दो भाग में स्टॉक विभाजन को मंजूरी दी है। डीमर्ज के बाद केपी एनर्जी लिमिटेड के शेयरों का अंकित मूल्य घटकर 5 रुपये रह जाएगा, यानी शेयर दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इन 8 शेयर है टोटल, ठीक है, तो इसमें आप नज़र रख सकते हो, आपको इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर मार्केट की डेली की जो न्यूज़ होगी वो आपको यहाँ मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।